नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनामिका। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही कई तरह की नई बातें शुरू हो गई। नीतीश कुमार के करीबी और उनके सहयोगी, उनके बारे में कई सारी बातें जो हैं वो बताने शुरू कर दिए। नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाने वाले आरसीपी सिंह, महागठबंधन की सरकार बनने के कुछ दिन पहले ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पार्टी में कई समय से वो उपेक्षित चल रहे थे और साथ ही साथ उनके सियासी भविष्य को भी लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता था। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कई सारी बातें बताई, जिसमें पहली बार ये सबको पता चला कि नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने जो बातें बताई, उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि नीतीश कुमार 18 घंटे तक काम करते हैं। वो सुबह 11 बजे दफ्तर आते थे, 1 बजे खाना खाने चले जाते थे, शाम 6 बजे से भूंजा पार्टी करते थे जो कि 3 घंटे चलती थी। ये वो बातें थी जो किसी को मालूम नहीं थी। आप सुनिए आरसीपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। तो बोलेंगे 18 घंटा काम करते हैं, बोलते हैं ना, चेक कर लीजिए दफ्तर कितने बजे आते हैं, 11 बजे खाना खाएंगे, 1 बजे उसके बाद आएंगे, 5 बजे, 6 बजे के बाद भूंजा पार्टी चलेगी। इस देश में कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री होगा जी कि 3 घंटा शाम में गप करता है, बता दे आपको। ये तो बात हुई आरसीपी सिंह की, जो कि उनके बेहद करीबी कहे जाते थे। लेकिन इसके साथ ही साथ एनडीए सरकार में नीतीश कुमार के कई सहयोगी रहे, वो भी महागठबंधन की सरकार बनते ही नीतीश कुमार के बारे में कई सारी नई बातें बताने लगे। पद्मश्री से सम्मानित और बीजेपी विधायक भागीरथी देवी, इन्होंने भी नीतीश कुमार को लेकर के कई सारी बातें बताई। भागीरथी देवी ने नीतीश कुमार को चीलम छाप बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार गांजा चढ़ा करके सदन में पहुंचते हैं, बीच बीच में सदन से गायब हो जाते हैं, तो इस दरमियान वो गांजा पीने जाते हैं। और साथ ही नीतीश कुमार के पास चांदी का चीलम है। क्या कुछ कह रही है भागीरथी देवी, आप कुछ सुनिए। अरे नीतीश जी कहता आंख में धुआं, हाथ में चीलम, आंख में धुआं, चीलम पर बात करिए, चीलम पर चले लगे। नीतीश कुमार जी जब तक चीलम ना चढ़ाइए तौले वो विधानसभा में अंदर ना बैठिए। बोल उनकर एक एक हीड़ के हाल हमनी के जानता नहीं कि नीतीश कुमार कहाँ हुआ। तुरंत उठिए भीतर विधानसभा से, अपना लॉबी में जाइए ऑफिस में, वहाँ गांजा मरी है और फिर आके बैठिए। तो गांजा पी के बात करे ला नीतीश कुमार जी, उनकर चीलम हाथ में रहे, उनकर चांदी का चीलम। और अब पूर्व मंत्री जनक राम भी नीतीश कुमार के बारे में और भी कई बातें बता रहे हैं। जनक राम ने बताया कि नीतीश कुमार को दलितों से नफरत है। जी हाँ, बड़ी बात कही है और ये वो बातें हैं जो कम लोगों को मालूम है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को दलितों से नफरत है, दलित का सामने बैठ जाना मुख्यमंत्री को नागवार गुजरता था। साथ ही नौकरी की बात पर भी उन्होंने कहा कि जब हम लोग विभाग में रिक्त पदों की बात नीतीश कुमार से करते थे तो मुख्यमंत्री झल्ला जाते थे, यानी कि गुस्सा जाते थे। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री जनक राम, आप खुद सुनिए। होने के नाते खान एवं भूतत्व विभाग में मेरे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी गई थी। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री परिषद का मैं सदस्य हुआ करता था। मेरे मंत्री परिषद में होने के नाते मैं अपने विभाग के कई ऐसे बातों को लेकर के गया, आप झिल्ला जाते थे। मेरे सरकारी जो पद होते थे, विभाग होते थे, रिक्तियां थी, उसको हमने फुलफिल करने के लिए कई बार आग्रह विनती आपसे किया करते थे, लेकिन आपने सुन करके नज़रअंदाज करते थे। दलित को बात सुनना भी आपको नगवार गुजरता था, दलित आपके सामने बैठ जाए उस पर आपकी नगवारी गुजरती थी। आपको जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये दलित का बेटा जनक चमार पूछ रहा है और ये बिहार की जनता है। और बिहार की जनता, मैं कभी ये सपना भी नहीं देखा था कि आपने इस तरह से गलती बार बार आप करेंगे। मुझे तो लगता है, मैं सुना करता था, ये कौन ऐसे अनंत बार मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए एनडीए पार्ट का कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा कार्यकर्ता जो आपको महागठबंधन के नेता ने उपाधि दिया, कभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार में रहते हुए उपाधि आपको कोई देने का काम नहीं किया। तो ये वो बातें हैं नीतीश कुमार की जो कम लोगों को ही मालूम थी, जो कि उनके करीबी और उनके सहयोगी ही बता रहे हैं। फिलहाल और कोई क्या कुछ कहता है ये तो वक्त बताएगा। इस खबर में इतना ही, अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।